हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी इमेज से बैकग्राउंड को हटा सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई पिक्चर है, उसमें आप चाहते हो कि बैकग्राउंड को रिमूव करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने आप कुछ पिक्चर यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, कुछ इमेजेस। ठीक है, अब जैसे ये इमेज है, इसमें मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। ठीक है, इस इमेज से भी मैं बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो बैकग्राउंड रिमूव करती हैं। ठीक है, कितना आपको सेक्शन पोर्शन रखना है, कितना नहीं रखना है, वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज ऑनलाइन। ठीक है, आप जस्ट ऐसा लिखोगे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, तो आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी। वैसे मैं जो अभी करंट में मुझे जो सही लगी है वेबसाइट, वो है फोटो सीजर। तो फोटो सीजर को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, कुछ वेबसाइट पेड वाली भी हैं, तो इसीलिए फोटो सीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इसमें आप देखोगे, आप यहाँ से इमेज को अपलोड करते हो। ठीक है, मैं कोई सी भी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर मैं जाता हूँ। वैसे मैंने अभी रिसेंट में भी किया था, तो नीचे इमेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये इमेज मैंने लिया, ओपन किया, तो ये इमेज लोड हो जाएगा। वो लोड होते से ही आप देखोगे अपने आप ही ये सारा मतलब बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें, ये कुछ ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये अगर आपको कुछ सेक्शन और ऐड करना है, आप चाहते हो इतना तो आ गया है, मुझे ये टेबल जो आ रहा है वो भी यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बाकी तो उसने अपने आप ही रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आप इसमें बैकग्राउंड, अभी ये डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करते समय आपको जैसे ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेव हो गया। ठीक है, सेव करते समय ये पूछता है वैसे कि हाई क्वालिटी में करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, लो क्वालिटी में तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अपलोड इमेज पे जाएंगे, फिर से मैं आपको एक इमेज लेके दिखाता हूँ। मैंने इस वाली इमेज को लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास जो है, ये मेरे पास इमेज है और इसमें पीछे काफ़ी कुछ बैकग्राउंड में दिया हुआ था और ये कुछ लिखा हुआ था हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये देखो इमेजेस अलग अलग हो गई यहाँ पे, है ना। अब ये भी मुझे अगर हटाना है तो ये भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।